उत्तराखंड में आगामी 5 मार्च से शुरू होने जा रही उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और शिक्षा महकमे ने अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं देहरादून जैसे मुरुगेशन ने बोर्ड परीक्षा में नियुक्त किए गए केंद्र व्यवस्थापक और कस्टोडियन को जरूरी निर्देश दिए, साथ ही परीक्षा की तैयारियों को लेकर समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। जैसे मुरुगेशन ने बताया कि करीब 147 परीक्षा सेंटर देहरादून जिले में है और सभी सेंटर के प्रधानाचार्य से वार्ता कर ली गई है। साथ ही सभी कर्मचारियों को एग्जाम सेंटर में खिड़की, दरवाजे, बैठने के लिए फर्नीचर व्यवस्था करने और नकल विहीन एग्जाम को लेकर शिक्षकों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। आज फर्स्ट वीक से लेकर लास्ट वीक तक 10th और इंटरमीडिएट का एग्जाम शुरू होने वाले हैं। लगभग 127 सेंटर्स हमारा देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाइड है। सो ये सभी का एवरी ईयर वी टेक द मीटिंग ऑफ ऑल द स्कूल प्रिंसिपल वेयर द एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड, और उसमें डूज एंड डोंट्स है, क्या क्या प्रक्रिया फॉलो करना पड़ता है, एग्जाम क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट और बच्चों के साथ क्या होना है, और जो इन्विजिलेटर्स वगैरह पोस्ट होंगे उनका कैसे डिप्लॉय करना है, और हाउ द एग्जाम टू बी कंडक्टेड, वो सारे एक ब्रीफिंग देना पड़ता है। सो वो सीईओ की तरफ से वो सारे ब्रीफिंग कल सभी स्कूल प्रिंसिपल्स को और केंद्र व्यवस्थापक हैं उन लोगों को दिया गया है।